सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज बात करेंगे आरएमसी प्लांट के ऊपर, जो कंक्रीट आपका हाईरेज बिल्डिंग्स में बनता है, यूज़ होता है, तो कैसे बनता है, कौन सी मशीन से बनता है, वो ये मशीन आपके सामने देखिए। आज इस पर डिटेल बात करेंगे, कैसे काम इसका करवाना है, कैसे मशीन वर्क करती है, और कैसे हम एक 20 माले की बिल्डिंग, मतलब आरएमसी अगर जो मतलब रेडीमिक्स कंक्रीट आता है, जो टीएम से, जो ट्रक माउंटेड ट्रक से आता है, उससे भी फास्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन इससे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हाई राइज बिल्डिंग, बंगलोज से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेगी इसी तरीके की, और अवेलेबल है माय वन शटरिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसको बोलते हैं आरएमसी प्लांट, रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट। ये तीन टाइप का आता है गाइस, एक पॉइंट फाइव का, एक पॉइंट सेवन फाइव का, एक वन एम क्यूब का। ओके, पॉइंट थ्री फाइव का भी आता है, पॉइंट थ्री फाइव, पॉइंट फाइव, वन एम क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो अवेलेबल है वो पॉइंट फाइव का अवेलेबल है। ओके, सो इसका जो एवरेज रेट है पर आर में 25 एम क्यूब पर आर ये कंक्रीट निकालता है, फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। तो कैसे निकालता है, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, उसके बाद नीचे ले जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो ये रेडीमिक्स कंक्रीट का प्लांट है, एक ये हो गया। दूसरा जो होता है, क्या क्या हॉपर, क्या क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले इसके लिए तो आपको बेसिक चाहिए, एक रैंप होना चाहिए, रैंप आपको बनाना है, ताकि वो लोडर से, जैसे वो बॉबकेट लोडर आप है, तो वो पहले तो प्लांट सेटअप करना है, उसका पीसीसी सेट करना है, पूरा लेवल में, एक लेवल में रहना चाहिए। ओके, देन वो लेग्स पूरा सेटअप होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो रैंप बनाना है आपको प्रॉपरली, जहाँ उसका हॉपर आ रहा है एग्रीगेट्स का, वहाँ पे रैंप आना चाहिए, ताकि वो लोडर से, जो बॉबकेट आपके सामने, वहाँ से वो एग्रीगेट बकेट में ले और लाके इस हॉपर में डाले, ठीक है। एक रैंप, दूसरा पानी की टाकी जो आपके पीछे दिख रही, नीचे जाके मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ा और अच्छे से, और सीमेंट गोडाउन, या तो सीमेंट गोडाउन आप पूरा फैब्रिकेट से करिए, या तो एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, दोनों भी चलेगा। तो इसी तरीके से तीन चीज़ आपको कंपलसरी करना है, एक रैंप, पानी की टाकी और आपका सीमेंट गोडाउन, फिर एडमिक्सचर के लिए एक थोड़ा सा जगह, ठीक है। तो ये हो गई आपका कि कैसे कैसे काम करना है, क्या लगता है प्लांट बैठाने के लिए, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो वो बॉबकेट आपके सामने दिख रहा है, आपको प्लांट से अगर काम करना है तो सबसे पहले तीनों चीज़ चाहिए आपको, प्लांट, बॉबकेट और वो येलो कलर का जो 1407 का पुजमिस्टर का पंप है, ये तो यूनिवर्सल कंपनी का है प्लांट। और पीछे वाला जो बॉबकेट है वो बॉबकेट उसका नाम है, लोडर भी बोलते हैं, बॉबकेट कंपनी का ही नाम बॉबकेट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेगी। अभी चलते हैं प्रोसीजर के ऊपर, कंक्रीट बनता कैसे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तो एग्रीगेट्स हैं, एक नंबर, दो नंबर क्रसेंट, यहाँ पे आपका सीमेंट का, ये जो चीज़ आती है वो हॉपर की है, वो सिलेंडर है, ठीक है। वो यहाँ जाके मोटर में कनेक्टेड है, जो सीमेंट का हॉपर है वो स्क्रू कन्वेयर जाके वहाँ से कनेक्ट हुआ है, वो नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट हुआ है, कैसे सीमेंट वहाँ पर जाता है, ठीक है। चलते हैं तो एग्रीगेट का प्रोसीजर वहाँ तक का ध्यान लेते हैं, फिर नीचे चल के आपको दिखा देता हूँ मिक्सिंग वगैरह कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ से एग्रीगेट लोडर लेके आएगा बकेट से, आप शॉर्ट्स, एक वीडियो में शॉर्ट्स डाला हूँ उसके ऊपर कि कैसे लोडर लेके जा रहा है, वो जाके देख सकते हैं कैसे डालता है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग चार हॉपर बना हुआ है, एक में एक नंबर, दो नंबर, एक में दो में क्रसेंट। तो वहाँ पे एक पैनलिंग सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है कैबिन के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे सेटिंग करना है। तो चार हॉपर है, एक में दो को एक ही चीज़ के यूज़ करना है, जैसे दो क्रसेंट ज़्यादा लगता है डिज़ाइन के अंदर, कंक्रीट के अंदर, तो दो हॉपर क्रसेंट के लिए, एक मेटल वन, एक मेटल टू, ठीक है। वो वहाँ नीचे गिरता है, जब वहाँ नीचे बटन प्रेस करेंगे पैनल के पास, वो मैं लेकर जाकर आपको दिखा दूंगा, वो कन्वेयर बेल्ट पे गिरेगा, कन्वेयर बेल्ट से सीधा होते हुए मिक्सर में जाएगा। एक दूसरा यहाँ से सीमेंट डब डालेंगे मैनुअली, या फिर आपका बल्कर भी आता है, लिक्विड सीमेंट भी यूज़ होता है, तो वो भी कर सकते हैं प्लांट के अंदर, बट यहाँ पे मैनुअल है। ओके, तो वो स्क्रू कन्वेयर से वो सीधा सीधा जाके आपको वो टाकी में होते हुए नीचे मिक्सर में गिरता है, फिर वाटर भी वो टाकी से लेके आपको वो टाकी में जाता है जो रिक्वायर्ड है। हम लोग जो ये कैसे होता है कि जो मिक्स डिज़ाइन पास है कंसल्टेंट से और साइट इंजीनियर से, साइट प्रोजेक्ट मैनेजर से, जो कंसल्टेंट जो डिज़ाइन पास्ट है, अप्रूव्ड है, वो हम वहाँ पर पैनल है, वो पैनल में हम लोग पूरा बॉबर से पुट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे लेके जाके। वो डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली सारे सब कुछ केजी के हिसाब से, जो डिज़ाइन में केजी के हिसाब से रहता है सारा सब कुछ, वो केजी के हिसाब से ही कन्वेयर बेल्ट पे डालेगा, लोड वहाँ पे है, ठीक है। सीमेंट भी उतना ही लेगा, जैसे 300 किलो सीमेंट है तो 300 किलो टाकी में आ जाएगा सीमेंट की, फिर वहाँ से मिक्सर में गिरेगा, पानी भी उतना ही लेगा, एडमिक्सचर भी उतना ही लेगा, और एग्रीगेट्स भी उतना ही केजी में लेगा जितना
प्राथमिक डिजाइन में गिवन है, जो हमने पैनल में पुट किया हुआ है। पैनल में आपको दिखाता हूँ नीचे लेके जाकर। तो ये सिस्टम है, पूरा मटेरियल जाके मिक्सर में जमा होगा, फिर वहाँ मिक्स होगा और हॉपर के जरिए प्लांट में पंप में जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है ये तो हमने समझा दिया प्रोसीजर सारा सब कुछ। अगर आपको फास्ट कंस्ट्रक्शन करना है तो प्लांट इज़ द मस्ट, आपको लेना ही है। क्योंकि आपने अगर ये कॉलम देखिए सामने है, चार कॉलम आपने ठोका हुआ है, इवनिंग हो रहा है, 5 बज रहा है, ठीक है, चार कॉलम आपका रेडी हो गया है। अब आरएमसी ऑर्डर करेंगे, कितना दूर है, आएगा नहीं आएगा, ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, M30 ग्रेड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, प्लांट है, आप एनी टाइम कास्ट कर सकते हैं, इवनिंग का 5 बज रहा है, कोई इशू नहीं है। पाइपलाइन या ट्रावर क्रेन का बकेट है, उससे आप प्रॉपर यहाँ से कॉन्क्रीट लेना है, सीधा ले जाके कॉलम में डाल देना है। एनी टाइम आप कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं, द बेस्ट थिंग इज़ ओके। तो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको अपनी साइट पे भी रिकमेंड कीजिए परचेज करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट आप चाहे तो कितना भी ग्रेड का, कोई भी ग्रेड का आप यहाँ से निकाल सकते हैं ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ज़्यादा बिल्डिंग है तो भी चलेगा और हाई राइज बिल्डिंग है तो भी चलेगा ओके। तो नीचे लेके जाके एक बार कंक्रीट कहाँ से निकलता है वो चीज़, और पंप एक बार पंप भी थोड़ा सा बता देता हूँ, और पैनलिंग दिखाता हूँ मैं आपको, केबिन के अंदर पैनलिंग कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम आता है, कैसे कैसे करना है। सो गाइस ये अपना मिक्सर है, देखिए वहाँ से एग्रीगेट आ रहा है, यहाँ से सीमेंट जाएगा, वो पानी का टाकी है या सीमेंट का टाकी है। तो इसी तरीके से सारा जो चीज़ है, सारा सब कुछ एग्रीगेट सीमेंट वाटर मिक्सर में आएगा। ये मिक्सर है गाइस, यहाँ से आपको गेट बंद रखना है, ऐसा नहीं है गेट को देख चेक कर लेना है, वहाँ पे मिक्सिंग वगैरह सारा फ्रेश कंक्रीट मिक्स होगा और ये हॉपर के जरिए पंप में आएगा, फिर वो पंप से आप इसको बेच सकते हैं जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है, चाहे बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है, चाहे आपको नीचे ग्राउंड में कहीं फुटिंग चल रहा है, तो ईजी कॉन्क्रीट हो जाएगा। बहुत बहुत मतलब फास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये ओके। तो पैनल दिखा देता हूँ गाइस कि कैसे पैनल काम करता है, कैसे हम लोग डिज़ाइन पुट करते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये अपना सीमेंट का हॉपर है, यहाँ पे सीमेंट जो मैनुअली डालते हैं, यहाँ से सीमेंट लेना है और इसको उसके अंदर डालना है, फिर यहाँ से देखिए ये पाइप दिख रही है आपको, ठीक है, ये पाइप से देखिए, ये पाइप है, ये पाइप से वहाँ तक जाता है कन्वे स्क्रू कन्वेयर से, उसके बाद डब्बे में टाकी में जाके सीमेंट के मिक्सर में जाके मिक्स होता है ओके। तो यहाँ से सीमेंट जाता है। सो अपना ये डिजिटल पैनल है गाइस आरएमसी प्लांट का, यहाँ पे देखिए बटन से बहुत सारे ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट करते हैं ओके। इसके ऑपरेटर्स आते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपको सीमेंट ओके, एग्रीगेट, फिर आप वहाँ पे जो अपना है वो इसी तरीके का चार पैनल है, सीमेंट एग्रीगेट वाटर और एडमिक्सचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो बटन दिख रही है, यहाँ से सारा रेसिपी सेट होता है ओके। यहाँ से भी प्लस माइनस आप कर सकते हैं, बट जो मिक्स डिज़ाइन है वो ये डिजिटल पैनल से सेट होता है, यहाँ से आप जो भी एक अप्रूव मिक्स डिज़ाइन है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, और प्लस जो मॉइस्चर कंटेंट का जो मॉडिफिकेशन होता है वो आप डे बाय डे करके यहाँ से चेंज करके फ्रेश कंक्रीट निकाल सकते हैं ओके। सो ये अपना ये आरएमसी प्लांट का पैनलिंग सिस्टम है, सारा सब कुछ ऑपरेटर्स को भी पता रहता है कैसे होता है, और मैकेनिक्स को, तो यहाँ से ऑपरेट होता है आरएमसी प्लांट अपना, बहुत ईजी है और बहुत ईजिली हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। टारगेट जो गिवन रहता है वो इस प्लांट से हम लोग अचीव कर सकते हैं बहुत ईजिली, जो भी कंस्ट्रक्टेड टारगेट रहेगा ओके। सो यहाँ पे जो है बिल्डिंग ये कंप्लीट हुई है, इसी प्लांट से कंप्लीट हुई है गाइस। आपको फटाफट कंस्ट्रक्शन करना है तो इसी प्लांट से आप फटाफट फटाफट कर सकते हैं ओके। तो ये था प्लांट के बारे में, आरएमसी प्लांट कैसे वर्क करता है क्या ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइस।